इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर गुजरात से है, जहां विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब अगले सीएम की तलाश तेज हो गई है। गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कयासों का दौर भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज गांधीनगर में दोपहर 2 बजे गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात पहुंच गए हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी पार्टी की केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। ये फॉर्मूला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अलग अलग समुदायों को साधने के मकसद से होगा। एक डिप्टी सीएम ओबीसी से तो दूसरा डिप्टी सीएम आदिवासी समुदाय से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जिसका नाम चल रहा है वो है दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। उनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जडफिया और बीजेपी विधायक आरसी फलदू के नाम भी सामने आए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।